आज का पहला क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। इसमें चौथे सेकंड में पूछा गया, मतलब 90 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका होता है एस एन 90 सेकंड में तय की गई दूरी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो इस फार्मूले में जो 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जा रही है, तो यहाँ पे ऊंचाई आ रहा है, तो यहाँ पे ये एस एन ये दूरी जो एस की जगह एच लिख देंगे, सेम ही है क्योंकि ये हाइट की बात कर रहा है। तो एच एन हो गया, यू प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन, इसमें जी आ जाएगा, टू एन माइनस वन सेम ही है। तो ऐसे गेंद ले गया फिर गिरा दिया, तो यहाँ पे यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख दिए प्लस हाफ, और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा 10, और चौथे सेकेंड में पूछा जा रहा है। तो एन चार रख देंगे, टू इंटू फोर माइनस वन, तो जीरो ही हो गया, हाफ इंटू टेन, यहाँ पे दो चौके आठ माइनस वन सात, तो इसको सॉल्व किए पाँच, पैंतीस मीटर इसका आंसर आएगा, 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एटी होता है, और इसमें एक पुल से गिरते हुए कार गिर जाती है। तो ये कार जब पुल से गिर रही है, तो ये कार तो फ्री गिर रहा है, मतलब कार की जो भी स्पीड होगी उसको छोड़ देंगे, ये कार जो है ऊंचाई से गिर रहा है, तो इसकी कोई स्पीड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, यू इक्वल टू जीरो, और टाइम दिया हुआ है वी इक्वल टू, तो ये जीरो हो गया प्लस ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा 10 इंटू 0.8, तो वी इक्वल टू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका टकराने के समय इसकी ये स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप बताइए, ठीक है। कोई गेंद है उसको फेंका जा रहा है ऊपर, यहाँ पे ऊपर फेंका गया है, और फिर बताना है कि 3 सेकेंड में विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये गेंद ऊपर पहले जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जो इसका वेलोसिटी होगा, ये लास्ट वाला वेलोसिटी अंतिम वेग जो होगा वो जीरो हो जाएगा वी। तो इसको हम दो भाग में, पहले ये क्वेश्चन पहले नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आएगा, अलग अलग निकालेंगे। तो इसका पहले हम ये वी इक्वल टू यू प्लस, पहले ऊपर जा रहा है यानी कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रहा है, तो ये इसमें माइनस आएगा, ठीक है, माइनस जी टी। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और लास्ट वाला जीरो है, तो वी इक्वल टू जीरो और इनिशियल 20 माइनस जी 10 होता है, और टी हम पहले पता करेंगे टी कि ये जो जीरो हो रहा है वो कितने सेकेंड में हो जा रहा है, ठीक है। जो लास्ट वेलोसिटी मतलब जो गेंद फेंक रहा है, जो अपने सबसे पीक पे किस टाइम पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये 10 इधर आया फिर भाग हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये गेंद अपने पीक पे पहुंच जा रहा है, ठीक, 2 सेकेंड, और टोटल बताना है 30 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो पहले 2 सेकेंड में यहाँ से मतलब कि इसका पीक तो पहले पता कर ले कि यहाँ से गेंद फेंका गया और यहाँ से, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था। तो इसके लिए फिर वही फार्मूला लग जाएगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
ठीक, ये h h हाइट, ये हाइट ऊपर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 टी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इसका पीक पॉइंट है वहाँ 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 पहले लिख लेंगे, फिर माइनस हाफ जी है 10, फिर टी है 2 का 2 स्क्वायर, ये हो गया 40 माइनस इसको ये 2 1 कट जाएगा, ये 20, यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर मतलब कि ये जो हाइट इसकी है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट तक ये गेंद जाएगा, ठीक है, ये टोटल जो है 20 मीटर है, ठीक। और टाइम लग रहा है टी 2 सेकंड, नीचे से ऊपर गया 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया, ठीक है, 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया। हमको पता करना है 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब यहाँ से अब नीचे आएगा, यहाँ पे ये गुरुत्वीय त्वरण के साथ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है साथ आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग गया, तो यहाँ से हम जो लास्ट का 1 सेकंड है वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया वो पता कर लेंगे। तो यहाँ पे यू यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से ऊपर चला गया था, तो ये अब इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, वहाँ से वापस आ रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, टी 1 सेकंड प्लस हाफ जी 10 है और टी 1 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ से एच ये 0 हो गया और ये 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चला था और फिर 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आया है, 1 सेकंड में टी इक्वल टू 1 सेकंड में, तो टोटल 3 सेकंड में जो है ये 3 सेकंड में दूरी, 3 सेकंड में दूरी जो है 20 प्लस 5 25 मीटर तय किया था। अगला क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। तो ये कार गिर जा रहा है फिसल कर, तो इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यू इक्वल टू 0, कार की वेलोसिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, वो गिर गया है ऊंचाई से, तो फ्री बिल्कुल फ्री टू एयर गिर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। और इसका टाइम दिया है टी 0.7 सेकेंड, इसका भूमि पर जब टकरा रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी वो बताना है, फाइनल वेलोसिटी हमको वी बताना है इसमें, तो यहां से वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये रख के हम वी आराम से निकल जाएंगे, यहां से यू हो गया 0 प्लस 10 गुणे 0.7, यहाँ से 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड इसका भूमि पर टकराने के समय इसका स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में, फिर वही क्वेश्चन है, एक ट्रक है गिर गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दिया है 0.8 सेकंड, टी दिया है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, इसमें हाइट बताना है कि ये किनारा जो ये गिरा यहाँ से गिरा है, यहाँ से यहाँ पे गिरा है, तो ये हाइट बताना है कितना है, तो इसके लिए ये फार्मूला लग जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से यू है 0, टी 0.8 सेकेंड, अब प्लस हाफ जी है 10 और टी है 0.8 × 0.8, यहाँ ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 5 इंटू और इसको 8 64 0.64 इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 मीटर मीटर आंसर आ गया। 3.2 मीटर का होगा ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे टावर से के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। ये टावर है 20 मीटर का और यहाँ पे एक लड़का यहाँ से गेंद फेंक रहा है, गेंद फेंक रहा है, ये 20 मीटर का टावर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या होगा? तो यहाँ से फेंक रहा है तो ये तो फ्री गिर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। हमको वी बताना कि यहाँ पे वेग क्या होगा, अंतिम वेग बताना है हमको, फाइनल वेलोसिटी। तो एच यू वी दिया और जी होता है 10। यहाँ पे एच इक्वल टू तीनों चाहिए ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इसमें रख के ये v निकल जाएगा। तो यहाँ से u जीरो हो गया प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 वी स्क्वायर ये हो गया 20 गुणे 20 400 और वी स्क्वायर है रूट हटाएंगे तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक किनारे से फिसल कर 1.6 सेकंड से जमीन पर गिरता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है? ट्रक किनारे से फिसल जाता है और फिसल कर गिर रहा है, 1.T दिया है 1.6 सेकंड, ठीक है, और गिर रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, G10 होता है, जमीन किनारा जमीन से कितना ऊंचा है तो इसमें हाइट बताना है। हाइट तो हाइट के लिए h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1.6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1.6 का इसका तो 16 का होता है 256 और 00 और इसको सॉल्व करेंगे तो 12.8 मीटर, ये आंसर 12.8 मीटर।